पार्टी के कार्यकर्ता राफेल घोटाले के विरोध में रोहतक कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश महासचिव एवं जिला प्रभारी राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजेंद्र शर्मा ने राज्यपाल के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री पाक साफ सरकार होने की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में एक राफेल 525 करोड़ का था जो 4 साल में 1672 करोड़ का कैसे हो गया। जो मुख्यतः नरेंद्र मोदी जो अपने आप को पाक साफ सरकार बताने वाला देश का प्रधानमंत्री है, हम नरेंद्र मोदी जी से डीसी साहब के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं, जो एक राफेल कांग्रेस के टाइम में 525 करोड़ का था, आज बीजेपी की सरकार आने के बाद 1672 करोड़ का कैसे बन गया। यह हमारा सवाल मीडिया के माध्यम से और डीसी साहब के माध्यम से जो हमने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, उसके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। जो अपने आप को ईमानदार पाक सरकार बताती है, पहली बार ये सरकार जब सत्ता में आई थी तब ऐसे ताबूत घोटाला बहुत जोरों पर हुआ था और एक बहुत बड़ा घोटाला मैं आपके संज्ञान में और डालना चाहता हूँ। 16000 करोड़ का जो घोटाला है पूरे हिंदुस्तान का, जिस पे टॉयलेट बूथ आए थे और आज एक भी बूथ किसी शहर में नजर नहीं आ रहा, बूथ कहाँ गए, इनका जवाब नरेंद्र मोदी जी दें या खट्टर साहब जिला के प्रदेश के मुख्यमंत्री दें, क्योंकि एक बूथ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतनी भ्रष्ट और करप्ट सरकार है, इसका पोल खोलने का काम आज हमने यहाँ डीसी साहब के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर किया है। मेरे साथ साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही ताबूत घोटाला, टॉयलेट घोटाला और अब राफेल घोटाला किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोटालों की जाँच के लिए शहर में प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इन एक्सप्रेस के लिए रोहतक से सनी की रिपोर्ट।